नमस्कार। पहले चरण के लोकसभा चुनाव में अब 2 हफ्ते का समय बचा है। 19 अप्रैल को 100 से ज्यादा सीटें दांव पर होंगी और 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। मेरे गृह राज्य उत्तराखंड में भी फर्स्ट फेज में वोटिंग है। छोटा पहाड़ी राज्य है, लोकसभा की 5 सीटें हैं। 14 और 19 के चुनाव की बात करें तो पांचों की पांचों सीट बीजेपी को मिली। वैसे यहां मैं कहूंगी कि दोनों बार सभी सीटें मोदी जी को मिली, क्योंकि उत्तराखंड में पीएम मोदी को लेकर गजब का क्रेज है। वहां आपको क्षेत्रीय नेताओं और बीजेपी के जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हें गालियां देते हुए लोग दिख जाएंगे, लेकिन जैसे ही पूछो कि भाई वोट किसे दोगे, नाम वो लेते हैं मोदी जी का। किसे अपनी पांचों सीटें सौंपने वाली है लोकसभा की? मैं समझता हूँ जी, इस बार जो है, अब की बार 400 के पार। मतलब बीजेपी के लिए आपने जो है झंडा बुलंद कर दिया आगे, मोदी जी ओनली। अच्छा, मोदी जी के लिए? yes. ये सेंटीमेंट जो है ना, ये पूरे उत्तराखंड में है। yes. इसको मतलब डिकोड करने के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ अलग से फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बार 400 पार। बीजेपी नहीं बोलते, सीधे मोदी जी का नाम बोलते हैं। और इसीलिए लोकसभा चुनाव के वक्त में भी लहर में कोई कमी नहीं। कांग्रेस कोई सीट निकाल ले जाए तो ये बड़ी बात होगी। तो इस हिसाब से उत्तराखंड से बीजेपी को बड़ा मैंडेट मिलने में कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। गांव में, घर में, क्षेत्र के आसपास जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई, चर्चा तो बस एक ही है और वो है गढ़वाल लोकसभा सीट की। मेरे जितने पहाड़ी दर्शक हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने जा रही हूं, लेकिन अपने नॉन पहाड़ी व्यूअर्स को भी बता दूं कि देवभूमि उत्तराखंड में जो 5 सीटें हैं, मसलन टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा सीट, तो चर्चा का विषय इन पांचों में से सिर्फ एक ही सीट गढ़वाल की सीट बनी हुई है। और इसकी बड़ी वजह है बीजेपी के हाई प्रोफाइल प्रत्याशी अनिल बलूनी का यहां से चुनाव लड़ना। अभी तक तो वो यहां दिल्ली में पर्दे के पीछे से बीजेपी के लिए अहम रोल निभाते रहे हैं। बीजेपी के मीडिया सेल के हेड हैं, साफ ईमानदार छवि के नेता हैं, दिल्ली दरबार में काफी ताकतवर माने जाते हैं, सरकार में उनकी काफी चलती है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कई मंत्री तो उनके इशारे पर टीवी चैनल्स को इंटरव्यू वगैरह देते हैं। कई लोग कहते हैं कि बलूनी हेडलाइंस मैनेजमेंट में माहिर हैं। अनिल बलूनी की वजह से नेशनल मीडिया का ध्यान भी गढ़वाल सीट पर केंद्रित हो गया है। उनके रोड शोज, अपने गांव पहुंचना, यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित योगी आदित्यनाथ के घर जाना, उनकी माता जी से मिलना, देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के पैतृक घर पहुंचना, गढ़वाल के वीर पराक्रमी माधो सिंह भंडारी जी के प्रतिमा स्थल पहुंचना और जनसंपर्क कार्यक्रमों का जबरदस्त कवरेज दिखाई दे रहा है, जिस तेवर में स्मृति ईरानी अनिल बलूनी के लिए जीत का आशीर्वाद मांग रही है, वो भी बहुत कुछ कहता है। मैं तो आज कंडोलिया मंदिर के सानिध्य में ये प्रार्थना करने आई हूँ, भाई के माथे पर विजयश्री का तिलक लगाने आई हूँ। अनिल बलूनी से मेरी जितनी बार बातचीत हुई है तो पहाड़ को लेकर काफी चर्चाएं हुई। इनफैक्ट मुझे ध्यान है कि जितनी बार पहाड़ के किसी कवरेज पर मैं उत्तराखंड में गई हूँ, स्पेशली उन्होंने फोन किया है, ग्राउंड इनपुट मुझसे पूछा कि वहां क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, लोग क्या कह रहे हैं, पत्रकार के रूप में मेरा क्या असेसमेंट है, क्या आंखों देखी है वगैरह वगैरह। एक आध बार कभी जब उनकी आवास पर किसी पहाड़ी मिलन कार्यक्रम में भी जाना हुआ तो पहाड़ के रीति रिवाज और परंपराओं के साथ उन्होंने यहाँ दिल्ली के कई बड़े बड़े नेताओं और बाकी प्रभावशाली लोगों को, मीडिया के लोगों को इन कार्यक्रमों से जोड़ा है और इस बात ने भी मेरा काफी ध्यान खींचा। एक ब्रिज मतलब, तो पहाड़ उनके लिए सिर्फ एक अवसर नहीं है। अनिल बलूनी का कद्दावर होना एक तरफ, लेकिन गढ़वाल सीट के हॉट सीट बनने की दूसरी वजह भी, और वो है कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल। गोदियाल उत्तराखंड में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक भी रहे हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गणेश गोदियाल से मेरी पहली मुलाकात तब हुई जब मैं टाइम्स नाउ में थी और उस समय उत्तराखंड के लिए कॉन्क्लेव हुआ जहां पर वो आए थे। मंच में 3 से 4 मेहमान उस पैनल में बैठे थे, लेकिन जिस तेवर के साथ गणेश गोदियाल ने बातचीत की वो अकेले बाकी मेहमानों पर भारी पड़ गए थे और इस चुनाव में भी उनका जुझारूपन झलक रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है उनके विचार ही कुछ सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। जनता का उत्साह मेरे साथ जो आपको दिख रहा है वो आपके सामने है, वो इस उम्मीद में है कि उनके केंद्रीय नेता आकर उनकी नैया पार लगाएंगे। लेकिन गढ़वाल की जनता बहुत समय से इस बात को महसूस कर रही है कि उनका सांसद वो होना चाहिए
जो अपने पैर पे स्वयं खड़ा हो सके। बैसाखियों के सहारे खड़े होकर दूसरे नेताओं के भरोसे अपनी नैया पार लगाने वाले की मंशा रखने वाले, मैं समझता हूँ कि गढ़वाल की जनता के सांसद बनने के योग्य नहीं। तो दो साफ छवि के प्रत्याशी, गोदियाल को अगर देखें तो दो विधानसभा चुनाव वो लगातार हारे हैं, जबकि डायरेक्ट चुनाव में अनिल बलूनी 19 साल के बाद उत्तराखंड में वापसी कर रहे हैं और पहली बार लोकसभा का चुनाव कर रहे हैं। तो यहां से तीन बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, राज्यसभा के सांसद बलूनी के अपने गृह राज्य उत्तराखंड से लोकसभा चुनाव लड़ने के क्या मायने हैं? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी उत्तराखंड में नई लीडरशिप को आगे बढ़ाने की ओर बढ़ चुकी है? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या यह मान लिया जाए कि उत्तराखंड में बीजेपी में अब पुराने नेताओं का दौर चला गया है? इसके लिए यह समझना जरूरी है कि अनिल बलूनी ने गढ़वाल लोकसभा सीट को ही क्यों चुना। हालांकि इसकी पहली सीधी वजह कि बलूनी खुद पौड़ी गढ़वाल जिले से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए यहां पर लोगों के बीच पहुंचना, उन्हें समझना उनके लिए बेहतर है। लेकिन एक और वजह है, और वो ये कि गढ़वाल संसदीय सीट पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से बीजेपी का गढ़ है। 1991 में राम लहर में बीजेपी ने गढ़वाल संसदीय सीट पर एंट्री मारी थी। तब रिटायर्ड फौजी ऑफिसर बीसी खंडूड़ी पर दाव लगाकर बीजेपी गढ़वाल सीट में दाखिल हुई थी। 1991 से लेकर 2019 तक गढ़वाल संसदीय सीट पर आम चुनाव और उपचुनाव मिलाकर कुल 9 चुनाव हो चुके हैं और इन 9 चुनावों में सबसे ज्यादा 7 बार बीजेपी का कैंडिडेट ही जीता है। यानी गढ़वाल लोकसभा सीट अनिल बलूनी को सबसे सेफ सीट लगी। हालांकि तब उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि कांग्रेस की तरफ से गणेश गोदियाल जैसा तगड़ा उम्मीदवार उनके खिलाफ ताल ठोकने उतर जाएगा, जिसके चक्कर में गढ़वाल सीट का मुकाबला इंटरेस्टिंग हो गया है। अब आलम यह है कि गढ़वाल सीट से फतह करने के लिए चुनावी कैंपेन में अनिल बलूनी आपको काफी अग्रेसिव भी दिखाई दे रहे हैं। मैं उनका एक बयान देख रही थी जिसमें वो खुद के कैंसर की चपेट में आने की याद दिला रहे थे और उस वो जिक्र था वहां पर। उन्होंने कहा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और ये जन्म पूरी तरह से गढ़वाल की सेवा में बीतेगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि अनिल बलूनी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं। नेता मैं अभी इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि नेता के तौर पर यह उनकी पहली बड़ी अग्नि परीक्षा है। वो अब तक अपनी पार्टी के लिए पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका निभाते रहे। मोदी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के मीडिया का इंचार्ज होना कोई मामूली बात तो है नहीं। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से उनका गुजरात के दिनों से पुराना नाता है, लिहाजा दिल्ली के पावर सेंटर में उनकी अच्छा खासा उनका दखल है और जाहिर है इस बात का लाभ उनको मिलता हुआ दिखाई भी दिया है। उत्तराखंड से राज्यसभा उन्हें भेजा गया और अब वो पहली बार लोकसभा के चुनावी रण में एक कैंडिडेट के रूप में है। इस बार गढ़वाल सीट का लोकसभा चुनाव अनिल बलूनी को नेता बनाने का चुनाव भी है। बलूनी को लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने के पीछे ऐसा भी लग रहा है कि शायद बीजेपी की टॉप लीडरशिप उत्तराखंड में नया नेतृत्व देने की तरफ बढ़ रही है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी और भगत सिंह कोश्यारी एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो चुके हैं। पूर्व सीएम और केंद्र में मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक का इस बार पत्ता कट गया है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को भी टिकट काट दिया गया। कांग्रेस से बगावत करके जो लीडर उत्तराखंड में बीजेपी में आए थे उन्हें वैसे भी भाव नहीं मिला। विधानसभा का चुनाव हारने के बावजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी को फिर से कुर्सी पर बैठाकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने उत्तराखंड में नया नेतृत्व रोपने के साफ संकेत पहले ही दे दिए थे। तो कुमाऊं इलाके से पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल इलाके से अनिल बलूनी, फिलहाल यही वो तस्वीर है जो उभर कर आ रही है। हालांकि कई मामलों में बलूनी का कद धामी से भी ज्यादा बड़ा दिखता है। धामी भले ही सीएम हो लेकिन अभी भी एक नेता के तौर पर उन्हें खुद को साबित करना बाकी है। दूसरी तरफ अनिल बलूनी की भले ही सत्ता की शीर्ष तक पहुंचो लेकिन उनके आसपास लीडरशिप के रूप में लीडर के रूप में ग्रो करने का यह बड़ा मौका है। गढ़वाल संसदीय सीट के जैसे समीकरण है उसको देखते हुए ज्यादा संभावना है कि अनिल बलूनी इस बार लोकसभा सांसद के तौर पर फिर से संसद में पहुंच जाए। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 13 पर बीजेपी के विधायक हैं। एक सीट बद्रीनाथ में कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी कुछ दिन पहले बीजेपी के कैंप में जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर गढ़वाल संसदीय सीट से अनिल बलूनी के सामने बड़ी चुनौती तो नहीं दिख रही, लेकिन कांग्रेस के गणेश गोदियाल का अपना एक ऑरा है और वो ऑरा उनके सामने थोड़ी दिक्कत या अड़चन पैदा कर रहा है। हालांकि अभी पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां होंगी तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अनिल बलूनी के लिए पहाड़ का यह चुनावी रण बहुत इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड के लिए भी यह चुनाव बहुत निर्णायक होगा, क्योंकि जिस लीडरशिप के संकट का जिक्र हम बार बार करते हैं
तो अगर अनिल बलूनी यहां से जीत कर जाते हैं तो वो सिर्फ एक सांसद भर नहीं रहने वाले, बीजेपी के भीतर जिस तरह का उनका कद है उससे मुमकिन है कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनती है तो बलूनी के हिस्से कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। लेकिन उससे पहले उन्हें गढ़वाल संसदीय सीट पर चुनावी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, खासकर से उत्तराखंड से जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो जरूर बताएं कि उनका क्या विचार है, ग्राउंड पर उनका क्या अनुभव है और क्या उम्मीदें हैं उन्हें अनिल बलूनी के कैंडिडेचर से। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।